कि आपके पास DSLR नहीं है और एक अच्छा सा स्मार्टफोन भी नहीं है और ब्लर फोटो खींचना चाहते हो, तो ऐसा सोचना छोड़ दो। आप अपने मोबाइल में DSLR जैसी फ़ोटो खींच सकते हो, पर कैसे? तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सो यू आर वॉचिंग हम टेक्नो वाले बाबा। तो फ्रेंड्स, आज हम खींच के दिखाने वाले हैं DSLR जैसे फोटो। DSLR जैसे तो नहीं रहेगा एकदम, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। इस सरकारी मोबाइल में करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कवर निकाल लिया, सब आप देख पा रहे हो, सरकारी मोबाइल ही है, वही Q402 Bharat 2 जिसको आप बोलते हो। तो एक ऐप है जिससे हम ऐसा फ़ोटो खींच सकते हैं ब्लर वाला, और उसमें और फंक्शंस है। तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करने वाले हो, लेकिन उससे पहले जान लो इस ऐप को करते कैसे। साइन इन विद गूगल लिखा हुआ यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो, ऐसा करना होगा। आप तुरंत ही प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड मत करो, पहले इस वीडियो को देख लो कि करते क्या है, उसके बाद तब आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर उसको क्लिक करते ही यहाँ पर ऊपर में आईडी दिख रहा है, उसको क्लिक कर लेते हैं। हमारा आईडी है, उसको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप देख पा रहे हो कंटिन्यू विद साइन इन लिखा हुआ है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अलाउ का कंझा टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैमरा आपका ऐसे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम कुछ इस तरह से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कैमरा को आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे। इसके बाद रुको रुको, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे चीज़ बताने वाले हैं, एक बहुत IMP चीज़। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। यहाँ पर देखो जैसे ही आप फोटो खींचोगे ऐसा लिखा हुआ आएगा मेकिंग फेबुलस थिंग्स करके। उसके बाद यहाँ पर आप एक गलती नहीं करना है, मैंने ये गलती किया है, यहाँ पर मोर में क्लिक किया, अलाउ कर दिया, यहाँ पर देखो उसके बाद में फाइल गो में चले गए। अगर आप भी ऐसे गलती कर दोगे सेव करने के लिए, तो यहाँ पर आप सिंपली से डिसमिस में क्लिक कर लेना, यहाँ पर कट कर लेना। उसके बाद सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड आपको कट दिखेगा या अंगूठा आएगा, देखना अभी अंगूठा जाने वाला, यहाँ पर ये देखो कट, जैसे ही करोगे फिर से कट कर लेना। उसके बाद यहाँ से सेव करना, कहने का मतलब ये जो अभी मैं आपको दिखाया वो चीज़ नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से ऊपर से कट करना है और यहाँ पर सेव कर लेना है, जिससे आपका फ़ोटो खींच के सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा फ़ोटो जो है सेव्ड लिखा आ रहा है। तो चलिए आपको कुछ फ़ोटो सैंपल्स दिखाते हैं इस मोबाइल में। देखो गैलरी में सेव हुआ है कि नहीं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गैलरी को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हम मैंने अभी फ़ोटो खींचा वही है। तो यहाँ पर देखो कैसे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, वो भी सरकारी मोबाइल में। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना ब्लर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप ब्लर को ऐसे आगे पीछे करके बढ़ा सकते हो ब्लर को। इसमें ये खास बात है कि आप ये सब चीज़ जो है ना वो बिना नेट के कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे में आप देख पा रहे हो ब्लर के नीचे फ़न लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस फ़न को क्लिक करोगे कुछ इस तरह से होगा। फ्रेंड्स, फन के बाद नीचे में लिखा हुआ आई एम लकी, अगर आप उसको भी क्लिक करते हो कुछ इस तरह से होगा, लकी ड्रॉ जैसे यहाँ पर आएगा और एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा। और फ्रेंड जैसे ही आप कैसे हो जाएगा, एक सेव को दबाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ और फंक्शन है, आप ट्राई करके देख सकते हो ऐसे। और कस्टम को दबाओगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। उसके बाद अगर आप हेयर को क्लिक करते हो तो आपको हेयर कलर चेंज होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो जो इन्हीं का ऐप है, पर ऐसा मैंने अभी नहीं किया, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सिंपली से ब्लर वाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।